Smart School, Kids Zone, your favorite school. Welcome to Smart School, Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. आज हम देखने वाले हैं पशु और उनके घर, means animals and their homes. So let's start. चलो करते हैं शुरुआत. उससे पहले आप हमारी e-learning वेबसाइट पर विजिट कीजिए और हमारी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट भी देखिए और हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले. हमारा एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम और क्राफ्ट चैनल भी चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो अब करते हैं शुरुआत. ये है चींटी. चींटी और चींटी कहाँ रहती है? चींटी बॉम्बे. चींटी बॉम्बे में रहती है, इसलिए उसके घर को कहते हैं बॉम्बे. क्या कहते हैं? बॉम्बे. यस, और ये चींटी अपना घर खुद बनाती है मिट्टी से. चलो देखते हैं दूसरा. ये है भालू. भालू, और भालू गुफा में रहता है. यानी भालू के घर को क्या कहते हैं? गुफा. गुफा, भालू के घर को कहते हैं गुफा. चलो देखते हैं. ये है मधुमक्खी. बराबर, ये है मधुमक्खी. और मधुमक्खी कहाँ पे रहती है? छत्ते में. मधुमक्खियाँ छत्ते में रहती है, इसलिए मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? छत्ता. करेक्ट, मधुमक्खी के घर को छत्ता कहते हैं. और मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में ढेर सारा मधु इकट्ठा करते हैं, जो बहुत ही मीठा और यम्मी लगता है. ये है गाय. ये है गाय, और ये गाय का घर. तो गाय कहाँ पे रहती है? गाय गौशाला में रहती है, इसलिए गाय के घर को क्या कहते हैं? गौशाला. गौशाला या गोट. या तो गौशाला या गोट कहते हैं गाय का घर. ये है पंछी. इट्स वीविंग बर्ड या टेलर बर्ड, जो अपना घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाता है. पंछी घोंसले में रहता है, तो पंछी के घर को क्या कहते हैं? घोंसला. यस, पंछी के घर को घोंसला कहते हैं, जहां वो अपने अंडे देते हैं. यह है घोड़ा. यस, ये है घोड़ा. और घोड़े के घर को क्या कहते हैं? अस्तबल. तो घोड़ा अस्तबल में रहता है, इसलिए घोड़े के घर को क्या कहते हैं? अस्तबल. अस्तबल. ओके, घोड़ा कहाँ पे रहता है? अस्तबल में. और ये है लायन यानी सिंह. शेर के घर को क्या कहते हैं? गुफा. शेर गुफा में रहता है, इसलिए शेर के घर को क्या कहते हैं? गुफा. गुफा. ये है हाथी. हाथी, और हाथी कहाँ पे रहते हैं? ये हाथी अंबर खाना में रहते हैं, जहाँ पे हाथियों को रखा जाता है उसे अंबर खाना कहते हैं. या तो वो जंगल में या तो अंबर खाना में रहते हैं. कहाँ पे? जंगल या अंबर खाना. यस, हाथी के घर को अंबर खाना कहा जाता है. ये है स्पाइडर यानी मकड़ी. और मकड़ी कहाँ पे रहती है? जाल में, या उसको कोलंडर भी कहते हैं. मकड़ी जाल या कोलंडर में रहती है. मकड़ी के घर को क्या कहा जाता है? जाल या कोलंडर. ये है चूहा. जी, ये है चूहा. और चूहा कहाँ पे रहता है?
बिल में, चूहा बिल में रहता है, इसलिए चूहे के घर को क्या कहते हैं? बिल। बिल या छेद, छेद जो चूहा खुद बनाता है। दूसरा है मुर्गी। यह है मुर्गी का घर। तो मुर्गी दड़बा या काप में रहती है। कहाँ पे रहती है? काप या दड़बा। यस, तो मुर्गी के घर को कहा जाता है दड़बा या काप। देखते हैं दूसरा, और ये है पंछी। तो पंछी कहाँ पे रहते हैं? कुछ पंछी पिंजरे में रहते हैं या पेड़ों पर रहते हैं। कुछ पंछी अपना घोंसला बनाते हैं या कुछ पंछी पेड़ों पर रहते हैं या पिंजरों में रहते हैं। तो पंछी के घर को क्या कहा जाता है? पिंजरा। ये है चिड़िया। और चिड़िया घोंसले में घोंसला बनाती है। वो पहले वाला चीज जो है वो अलग घोंसला था, ये अलग है। तो चिड़िया घोंसले में रहती है। कहाँ पे? घोंसले में। यस, इसलिए चिड़िया के घर को कहा जाता है घोंसला। ये है भैंस। और भैंस कहाँ पे रहती है? तबेला या गोट में। भैंस के घर को क्या कहते हैं हम? तबेला या गोट, ठीक है। भैंस के घर को तबेला कहा जाता है या गोट कहा जाता है। ये है पांडा। और पांडा कहाँ पे रहता है? बांस के पेड़ों में रहता है। पांडा बांस के पेड़ों में रहता है, इसलिए पांडा के घर को क्या कहेंगे? बांस का पेड़। क्या कहेंगे? बांस का पेड़। करेक्ट, बांस का पेड़। ये है खरगोश। राइट, ये है खरगोश। और खरगोश कहाँ पे रहता है? बिल में रहता है। खरगोश बिल में रहता है, इसलिए खरगोश के घर को क्या कहेंगे? बिल। और ये बहुत बड़े बिल बनाते हैं, क्योंकि ये एक साथ दो दो, तीन तीन, चार चार भी एक साथ रहते हैं, तो इनके बिल भी बड़े बड़े होते हैं। और ये अपने घर खुद बनाते हैं। खरगोश बिल में रहता है, ठीक है? ठीक है। दूसरा कौन है? ये है भेड़। भेड़ कहाँ पे रहती है? खेत में। भेड़ खेतों में रहती है। खेतों में वहाँ पे इस तरह से कंपाउंड बनाते हैं और उनको रखा जाता है। तो भेड़ के घर को क्या कहेंगे? खेत। ये है सांप। सांप, और ये है उसका घर। तो सांप के घर को बिल या बॉम्ब भी कहते हैं। सांप के घर को क्या कहते हैं? बिल या बॉम्ब भी। ये है गिलहरी। ये है गिलहरी। और गिलहरी कहाँ पे रहती है? पेड़ की ढोली में। इसलिए गिलहरी के घर को क्या कहेंगे? छकड़ा या पेड़ की ढोली। ओके, हाँ। याद रखना, छकड़ा या पेड़ की ढोली। दूसरा कौन सा है? ओ, बाग है। और बाग कहाँ पे रहता है? गुफा में। कहाँ पे रहता है? गुफा। बाग गुफा में रहता है, या इसको गुफा या मांद भी कहते हैं, लेयर। ओके, और कौन है? ओ, ये है भाभी। नहीं, भाभी का भाई, हाँ। और वो कहाँ पे रहता है? घर में। तो इंसान या आदमी घर में रहता है, यानी आदमी के घर को हम घर कहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
बाय।